एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के लेक्चर नंबर 44 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो है स्टरिलिटी मेथड्स इन इंसेक्ट्स। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें, और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टरिलिटी मेथड्स के बारे में। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज स्टरिलिटी मेथड्स, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि ये जो स्टरिलिटी मेथड्स हैं, स्टरिलिटी मेथड्स जो हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। और हर प्रिंसिपल पे हम देखेंगे, प्रिंसिपल से मतलब वो मेथड डिफाइन हो जाएगा, और हर मेथड का हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, और लास्ट में देखेंगे व्हाट इज़ द फीडबैक और ड्रॉबैक ऑफ दैट मेथड, ठीक है। सो अभी जो आप सामने डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली मैं उस डायग्राम यही डायग्राम को मैं आपको इस पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इससे मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आप क्या करते हो कि आप रेडिएशंस देते हो एक के ऊपर में, और उस एक से जो मेल्स निकलते हैं वो स्टराइल मेल निकलते हैं। बेसिकली उनको फिर क्या करते हैं, नेचर या फिर इन्वायरमेंट में स्प्रेड करते हैं, जो कि जो फीमेल्स हैं, जो नॉर्मल फीमेल्स उनके साथ कॉपुलेट करते हैं या फिर मेटिंग करते हैं, और जो फीमेल जो एक करती हैं उससे ऑफस्प्रिंग नहीं जनरेट हो पाता है। सो बेसिकली ये मेथड है एक स्टरिलिटी का इंसेक्ट में, उसी को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्टरिलिटी मेथड, स्टरिलिटी मेथड। सो स्टरिलिटी मेथड क्या है, कंट्रोल ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन अचीव बाय रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टरलाइज्ड मेल, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर में स्टरलाइज्ड मेल को, स्टरलाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, वो बेसिकली अब यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी किसी दूसरे फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, या फिर जो एग है उसको जो है उसमें एग में लाइफ जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि हम रिलीज़ करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टरलाइज्ड मेल इंसेक्ट, जो कि कंपीट करते हैं नॉर्मल मेल्स के साथ में, एंड रिड्यूस द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, ठीक है। सो जो ये मेथड है, इसका जो एप्लीकेशन है या फिर कह सकते हैं इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में दिखता है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब छोटे इंसेक्ट्स हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन इनके फर्दर जनरेशंस में दिखता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज एक इन्वायरमेंट है या फिर एक आइलैंड है जहाँ पे 100 मेल मॉस्किटोज हैं और 100 फीमेल मॉस्किटोज हैं, ठीक है। सो हमने रेशियो 1:1 का लिया है, और वहाँ पे हमने क्या किया कि अभी क्या है कि पर मेल या फिर पर फीमेल एक मेल अवेलेबल है जो कि उसको फर्टिलाइज कर सकता है उनके एग्स को। सो अब हम क्या करेंगे, उसी इन्वायरमेंट में या फिर उसी आइलैंड पे हमने 100 स्टरलाइज्ड मेल्स को रिलीज़ कर दिया। अब जो टोटल मेल्स की संख्या हो गई है 200, फीमेल्स अभी भी 100 ही हैं, यानी अब अगर हम रेशियो देखें फीमेल इज़ टू मेल का, वो है 1:2। यानी अगर हम कंपीट रेशियो अगर 50-50% भी प्रोबेबिलिटी मानते हैं, तो पर जो एक वहाँ पे मेल में आप देख रहे हो कि दो तरीके के मेल्स हो गए हैं, एक फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड कहने का मतलब जो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, और दूसरा स्टरलाइज्ड, ठीक है। सो अभी जो जो 100 फीमेल्स थी उनको 100 फर्टिलाइज्ड मेल क्या कर रहे थे, फर्टिलाइज कर रहे थे, कहने का मतलब है कि उनके साथ कॉपुलेशन कर रहे थे, मेटिंग कर रहे थे। अब क्या होगा, लेट सपोज हम 50% मानते हैं, यानी रेशियो जो है 100 के 100 जो हमारे स्टरलाइज हैं वो तो नहीं जाएंगे, हमने 100 में से 50 मान लिया, 50 जो इंसेक्ट्स यानी जो मेल हैं उन्होंने 50 फर्टिलाइज्ड जो मेल थे मतलब जो फर्टिलाइजेशन करा सकते थे उनको रिप्लेस कर दिया। सो अब जो फीमेल्स जो फर्टिलाइज होंगी वो सिर्फ 50 मेल से ही होंगी, जो कि वाइल्ड वेराइटीज़ के ऑलरेडी अवेलेबल थे, और 50 जो स्टरलाइज्ड मेल के साथ जिनका कॉपुलेशन हुआ है वो फर्दर जो हैं नेक्स्ट जनरेशन यानी एग जो होगा उनका क्या हो जाएगा, स्टराइल होगा या फिर इनवायबल एग होगा, यानी उससे नया इंसेक्ट या फिर नया मॉस्किटो नहीं जनरेट हो पाएगा। तो बेसिकली ये मेथड होता है, ठीक है। तो अब देखिए, स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक इज एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल मेथड इन्वॉल्विंग द मास रियरिंग एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, मास रियरिंग करते हैं और अल्टीमेटली हम स्टरलाइज भी कर देते हैं उस इंसेक्ट को, ठीक है। इसको बेसिकली हम SIT कहते हैं, SIT का कहने का मतलब हो गया स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक, या फिर SIRM भी कहते हैं, स्टराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड, ठीक है। सो ये जो मेथड है बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल मेथड है,
ठीक है। इसको ऑटोसाइडल कंट्रोल भी कहा जाता है, सिंस ऑटोसाइडल कहने का मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, साइडल मीन्स किलिंग, सेल्फ किलिंग कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि इनके खुद के मेंबर्स, ठीक है, अपने खुद स्पीसीज को ख़त्म करने में यानी उनके अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इस मेथड को ऑटोसाइडल मेथड भी कहते हैं, फिर ऑटोसाइडल कंट्रोल भी कहते हैं। इसमें आप देखो, मैंने एक वॉलेट लाइन से लिखा हुआ है, के एफ निपलिंग इन 1937 इन साउथ ईस्ट यूएसए यूज्ड SIRM टेक्निक यानी स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड या फिर टेक्निक टू कंट्रोल द स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए 1937 में सबसे पहले EF निपलिंग ने इस मेथड को यूज़ किया था स्क्रू वॉर्म फ्लाई के लिए। बेसिकली क्या है, सीरियस पेस्ट ऑफ लाइव स्टॉक है, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। तो इसमें अगर जो हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं इस मेथड में क्या है, हम एक रेशियो देखते हैं, इस रेशियो का नाम है SF, ठीक है, SF रेशियो। व्हाट इज SF? स्टरलाइज्ड इज टू फर्टिलाइज्ड रेशियो, मतलब फर्टाइल कौन कौन से हैं और स्टेराइल कौन कौन से हैं। तो ये जो रेशियो है ना, स्टेराइल और फर्टाइल, ये जो SF रेशियो है ये मेल्स के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेराइल टू फर्टाइल मेल रेशियो यानी SF रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। और जितना ज़्यादा SF रेशियो, आपको याद रखना होगा कि SF रेशियो जितना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, SF रेशियो जितना ज़्यादा हाई होता है उतना ज़्यादा आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है नेचुरल पॉपुलेशन का वो डाउन हो जाएगा, यानी जो रिप्रोडक्शन का जो पोटेंशियल है यानी यंग वंस जो नए जनरेशन्स आ रहे हैं उनका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। तो SF रेशियो कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट का उसको कम रख सकें। तो आप बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, SF रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए, यानी स्टरलाइज्ड मेल ज़्यादा और फर्टाइल जो मेल है वो कम होने चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें, दी मेटिंग विद दी स्टेराइल मेल विल प्रोड्यूस इनवायबल और स्टेराइल एग्स, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो मेटिंग होगी इस केस में उसमें स्टेराइल मेल्स जो हैं वो इनवायबल एग्स जो हैं उनको या फिर कह सकते हैं स्टेराइल एग्स का प्रोडक्शन करवाएंगे फीमेल से। सो बेसिकली अल्टीमेटली क्या हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें SIRM assumptions के बारे में, तो दो assumptions इस टेक्निक में पहले हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्या है कि हमने नेचर में नेचुरली 1:1 का रेशियो माना है मेल इज टू फीमेल या फिर फीमेल इज टू मेल का, ठीक है। और हम ये मानते हैं, दूसरा assumption ये है कि एक फीमेल 5 नई फीमेल यानी 5 ऑफस्प्रिंग फीमेल को एक जनरेशन में बढ़ाती है। सो आप इस टेबल को देख रहे हो, बेसिकली इसका आपको इस पे टेबल पे इतना ज़्यादा ऐसे फोकस नहीं करना है, इस टेबल से बस मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि आप जनरेशन यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जनरेशन मेंशन किया है, ये नंबर ऑफ़ फीमेल्स विदाउट रिलीज, कहने का मतलब ये नेचुरल जो वाइल्ड स्पीसीज़ है यानी कि फीमेल जो नेचुरली है, पहले फर्स्ट जनरेशन में 1 लाख थी, फिर 5 लाख हो गई, फिर 25 लाख हो गई, यानी 5 टाइम्स जो हैं अपने नंबर को बढ़ा रही हैं। हमने क्या किया है, नंबर ऑफ स्टेराइल मेल्स जो हैं 9 लाख हर जनरेशन में रिलीज़ किया है, ठीक है, और फीमेल्स को उसके रिस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो कम रिलीज़ किया है, यानी 9:1 के रेशियो में रिलीज़ किया है, ठीक है। सो आप देखो इस पूरे टेक्निक में बेसिकली जो रेशियो है स्टेराइल टू द नॉर्मल मेल्स का यानी फर्टाइल मेल्स का वो कम होता, सॉरी बढ़ता जा रहा है, यानी पहले 9:1 था, देन 18:1, देन 68:1 और अल्टीमेटली 1800001। कहने का मतलब है 1,80,000 स्टेराइल मेल्स इज टू 1 का रेशियो है नॉर्मल मेल यानी फर्टाइल मेल का। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे फिफ्थ जनरेशन में तो नंबर ऑफ फर्टाइल फीमेल्स जो है इस मेथड में 0 बचती हैं, ठीक है। आपको ये एक डेटा बस इसीलिए समझाया था क्योंकि आप इसमें जो SF रेशियो है SF का रेशियो है वो आप देख पाओ बढ़ता है और नंबर ऑफ फर्टाइल फीमेल्स जो हैं वो जनरेशन वाइज डिक्रीज करती जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन सिंपल सुटेबल सर्कमस्टांसेस दी SIRM टेक्निक कैन बी मोर इफेक्टिव कंपेयर टू दी इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। सो अगर आप इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन मतलब करते हो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप SIRM टेक्निक को अप्लाई करो जो कि ज़्यादा बेटर होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इंसेक्ट के। आई होप जो अभी तक का पार्ट है वो जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं SIRM टेक्निक यानी जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं विद दी इंसेक्टिसाइड ट्रेंड, तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हमने उस अभी भी माना हुआ है। सो यहाँ पे हमने 6 जनरेशन के बारे में बात किया, लेफ्ट हैंड पे आप जनरेशन देख रहे हो 1 से लेके 6 तक है, और नंबर ऑफ़ फीमेल्स विद नो ट्रीटमेंट ये नॉर्मल पॉपुलेशन है फीमेल्स का, फिर नंबर ऑफ़ फीमेल्स विद द स्टेराइल रिलीज, ठीक है, फीमेल्स का संख्या आप देख रहे हो, मतलब इस टेक्निक में SIRM में क्या हो गया अल्टीमेटली 0 हो गया, ठीक है। लेकिन
अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो सिर्फ 90% किलिंग होती है 1 लाख में से। अब देखो तो अभी 6th जनरेशन आते आते कितने बच रहे हैं, लगभग इतनी सारी फीमेल्स जो हैं बच जाती हैं जब हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। सो इस टेबल से आपको मैंने कंपेयर करके दिखाया है कि SIRM टेक्निक अगर हम इंसेक्टिसाइड वाले मेथड से यानी उसके एप्लीकेशन से कंपेयर करें तो कई ज़्यादा बेहतर है, कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाती हैं, बहुत कम या फिर बहुत कम नहीं ज़ीरो हो जाती हैं। मतलब जो फीमेल्स हैं वो बहुत कम, ज़ीरो, ख़त्म, मतलब नए जनरेशन आने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन इंसेक्टिसाइड में 90% अप्रॉक्स 90% ही किलिंग हो पाती है। आई होप ये पार्ट जो है क्लियर है। अगर हम बात करें SIRM टेक्निक के बारे में, सॉरी गाइस मैं बार बार थोड़ा सा फर्स्ट मतलब फास्ट बोलने के चक्कर में एक चीज़ें आगे पीछे हो जा रही हैं। सो जो हमारा टेक्निक है दैट इज़ SIRM टेक्निक, ठीक है। सो अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं आफ्टर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है अगर आपने कहीं पे फील्ड में SIRM टेक्निक को लगाना है तो उससे पहले आप इंसेक्टिसाइड अगर लाइट अमाउंट में अगर यूज़ करते हो तो जो आपका SIRM टेक्निक है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? क्योंकि जब हम इसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे ना SIRM टेक्निक के, तो आप देखोगे ऐसे पॉपुलेशन में ये चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं जब जो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस टाइम पे लो होनी चाहिए। यानी हम ये मेथड को तभी अप्लाई करें जब जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट का कम हो। तो अगर आपने इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर लिया है तो पॉपुलेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें कंडीशंस, तो कंडीशंस में हमने 4 कंडीशन यहाँ मेंशन किया है। कंडीशन नंबर 1 इज़ अगेंस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड पेस्ट व्हेन देयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो। मैंने पहले बताया कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी लो होता है उस टाइम पे अगर आप ये टेक्निक को अप्लाई करते हो तो इट इज़ बेनिफिशियल, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगेंस्ट न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट, ठीक है, नए जो पेस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके लिए अगर हम टेक्निक अप्लाई करते हैं तो इट इज़ ज़्यादा बेनिफिशियल, यानी इट इज़ मोर बेनिफिशियल व्हेन दी पेस्ट दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इज़ न्यू। थर्ड जो है अगर आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, लाइक किसी आइलैंड पे अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा, ठीक है। मतलब एक हमें आइसोलेटेड आइलैंड पे ये चीज़ें मतलब फर्स्टली अप्लाई, अगर हम लेट सपोज कंपैरिजन करके देखें तो एक आइसोलेटेड लैंड है और एक नॉर्मल लैंड है, मतलब कहने का मतलब कनेक्टेड लैंड है। तो अगर आप आइसोलेटेड लैंड पे करते हो जहाँ पे पॉपुलेशन आइसोलेटेड है तो ये टेक्निक जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, सिंपल सी बात, ठीक है। और लास्ट जो है कंबाइंड विथ कल्चरल एंड केमिकल मेथड्स। सो आप अगर बोलो कि नहीं सिर्फ हमें SIRM टेक्निक यूज़ करनी है तो इट इज़ टाइम टेकिंग, आप देख रहे हो नंबर ऑफ जनरेशन में। सो इसको फास्ट करने के लिए आप कल्चरल और केमिकल मेथड्स के साथ साथ इसको आप अगर यूज़ करते हो तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। आई होप जो आपको ये मेथड्स हैं और इनके जो कंडीशंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कहने का मतलब है कम्प्लीटली डेथ, ठीक है। डेथ कहने का मतलब है कि एकदम पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। सो अगर हम बात कर ले करें कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इंसेक्ट्स में, सो दो तरीके के, एक जो होते हैं जिसको हम कहते हैं कीमो स्टेरिलेंट्स, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डार्क भी बोल्ड भी किया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली दो टाइप के हम केमिकल्स देखते हैं जिनको कहते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है कीमोस्टेरिलेंट्स, क्या है एनी केमिकल विच इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ये जो कीमोस्टेरिलेंट्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेराइल कर देते हैं। स्टेराइल मतलब ना एग का प्रोडक्शन हो पाएगा ना स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा, तो ये बेसिकली अलग अलग केमिकल का अलग अलग इफेक्ट होगा। लेकिन स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो एकदम क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो पहला तो ये मेथड है कि कीमो स्टेरिलेंट्स का यूज़ करना, और सेकंड मेथड इज़ दी इरेडिएशन। इरेडिएशन से हम उनमें म्यूटेशंस वगैरह कॉज कर सकते हैं, जिनसे बहुत सारा तरीका है जिनसे हम इरेडिएशन में जिनसे हम इनका जो स्टेरिलाइजेशन है वो कर पाते हैं। सो अगर हम बात करें कीमो स्टेरिलेंट्स में, तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हैं, अल्कलाइटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। तो अल्कलाइटिंग एजेंट्स क्या हैं, बेसिकली इनका इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने 4 इफेक्ट्स मेंशन किया है,
बेसिकली दे इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अगर आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स होते हैं जैसे डीएनए और आरएनए। तो जब न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा प्रॉपरली, सेल डिवीजन नहीं होगा तो नए सेल्स के बनने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है अल्कलाइटिंग एजेंट्स। इनहिबिट गोनैड डेवलपमेंट, गोनैड्स का डेवलपमेंट ही रोक देता है। गोनैड, अगर मेल गोनैड और फीमेल गोनैड का डेवलपमेंट रुक गया तो आप तो सोच ही नहीं सकते हो नए जनरेशन के बारे में। थर्ड, प्रोड्यूसेस म्यूटाजेनिक इफेक्ट। ठीक है, म्यूटाजेनिक इफेक्ट कहने का मतलब है इट कॉजेज म्यूटेशन, और म्यूटेशन मतलब नॉर्मल प्रोजेनी आएगी ही नहीं। तो इसका एग्जांपल जो है दैट इज स्टेपा, और दूसरा एग्जांपल दिया है हमने क्लोरो इथाइल एमीन। तो आप ये याद रखना, अल्कलाइटिंग एजेंट्स के दो एग्जांपल्स हैं और बेसिकली ये एमसीक्यूज में ऐसे पूछे जा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया मेथड भी, नया कहने का मतलब बहुत रीसेंट नहीं है, लेकिन सबसे एडवांस मेथड जो है ये है जिसको आप मतलब लगता है कि एडवांस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदर मेथड्स जो हैं आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, और मुझे भी लगता है कि ये ऐसा मेथड है जिनसे अदर इंसेक्ट्स को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मीन्स क्या हो गया, एंटी मीन्स हो गया जस्ट अगेंस्ट, एंड मेटाबोलाइट्स कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो केमिकल्स या फिर मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें होंगी। जैसे केमिकल्स हैविंग, ये एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं, केमिकल्स हैविंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। सो सबके बॉडी में यानी प्लांट एनिमल सबके बॉडी में मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ठीक है, सो ये क्या होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस के जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सिमिलर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है उनको इंटरफेयर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशंस को लेके। ठीक है, इसका एग्जांपल जो हमने दिया है 5-फ्लोरोरासिल। ठीक है, एंड दूसरा जो हमने दिया है ए मिथियोपेट्रीन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं एंटी मेटाबोलाइट्स के। सो आपको ये जो दो हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स और दूसरा एंटी मेटाबोलाइट्स, आई होप जो है इनका जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, आप ये देखो मैं बैक स्लाइड करता हूँ, कीमोस्टेरिलेंट्स पहला मेथड था, और दूसरा जो है ई रेडिएशन। ठीक है, सो ई रेडिएशन कहने का मतलब क्या होता है, ई रेडिएशन मतलब हम क्या करते हैं इंसेक्ट को एक्सपोज कर देते हैं डिफरेंट रेडिएशंस के साथ। ठीक है, लाइक एक्सरेज के साथ आपने कर दिया, न्यूट्रॉन्स एक्सपोज कर दिया। तो बेसिक जो जनरल मेथड है वो उसमें हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60 का, जिसकी हाफ लाइफ पीरियड जो होती है आप जानते हो। देखो, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने कोबाल्ट 60 बोला है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ होती है। तो हम जो कॉमन मेथड अभी यूज़ करते हैं इरेडिएशन में, इस मेथड में मतलब SIRM में, सो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली कोबाल्ट 60 का, जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 60 ईयर्स। कहने मतलब है, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोबाल्ट आज 100 ग्राम रखा है कोबाल्ट 60 को, तो आज से 60 साल बाद अगर आप देखोगे तो वो 50 ग्राम हो जाएगा, फिर आज से फिर 60 साल बाद देखोगे तो 25 ग्राम हो जाएगा। यानी वो अपने हाफ लाइफ पीरियड में अपना अमाउंट को आधा कर लेते हैं, इसीलिए इसको हाफ लाइफ कहा जाता है। सो इरेडिएशन बेसिकली क्या कॉज करता है, फर्स्ट इनफंडिसिटी। ठीक है, मतलब एग उसमें एग का डेवलपमेंट नहीं होना, दैट इज द इनफंडिसिटी। दूसरा एस्पर्मिया। एस्पर्मिया कहने का मतलब, देखो ए मीन्स हो गया एब्सेंस और स्पर्मिया मतलब स्पर्म, यानी स्पर्म ही नहीं बनेगा। एंड थर्ड डोमिनेंट लीथल म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन कॉज कर देगा जो कि लीथल होगा, डेथ कॉजिंग होगा। तो इरेडिएशन के ये कुछ इफेक्ट्स हैं। सो आई होप जो इरेडिएशन पार्ट है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सो अब रेडिएशन के डोज के बारे में देखते हैं, मैंने कुछ दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन किए हैं। सो रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट स्पीसीज एंड द स्टेजेस ऑफ फॉर स्टरलाइजेशन, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रैट्स में। ठीक है, रैट्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे हाउस फ्लाई मेंशन किया है, और हाउस फ्लाई के स्टेज है जैसे 2-3 डेज ऑफ प्यूपा, सो उन पे हम 300 रैट्स डालते हैं। रैट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। उसी तरीके से स्क्रू वॉर्म है, अगर 5 दिन का प्यूपा है तो उस पर 2500 रैट्स, और 1 दिन का एडल्ट है तो उस पर 5000 रैट्स का हम इरेडिएशन यानी रेडिएशन जो है एक्सपोज कराते हैं, और इनसे हम स्टेराइल मेल्स वगैरह जो हैं उनको डेवलप करते हैं। आई होप जो आपको ये वाला पार्ट है वो इरेडिएशन का समझ में आया होगा। सो अगर मान लीजिए कि कोई नेचुरल पॉपुलेशन है उसको हमें स्टेरलाइज करना है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ेंगे, स्टेरलाइजिंग नेचुरल पॉपुलेशन। इन दिस मेथड इंस्टीड ऑफ रिलीजिंग स्टेरलाइज मेल्स इन टू द फील्ड्स, इसमें हम
स्टेलाइज्ड मेल को नहीं फील्ड में रिलीज़ करते हैं, इसमें बेसिकली हम कीमोस्टरलेंट्स को स्प्रे कर देते हैं फील्ड लाइक इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो कीमोस्टरलेंट्स क्या हैं? ठीक है, ये स्टेलाइज कर देंगे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स को। अगर दोनों मेल एंड फीमेल्स जो दोनों स्टेलाइज हो गए तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुछ नया यंग वंस नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, जो लास्ट जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन कुछ कर नहीं पाएगी, उनको हम इंसेक्टिसाइड से ही मार सकते हैं। तो नया जनरेशन नहीं आएगा, तो डेट इज़ हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू किलिंग हो गया, मतलब उनको हम मार ही रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अगर देखो डायरेक्ट किलिंग नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी क्या है, किलिंग ही है। इसका एक बोनस इफेक्ट भी है। बोनस इफेक्ट क्या है कि इस मेथड में जो स्टरलाइज्ड मेल होते हैं वो मेट करते हैं नॉर्मल फीमेल्स के साथ, और जो नॉर्मल फीमेल्स हैं उनके भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डाउन कर देते हैं। तो इसका बोनस इफेक्ट है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कॉमन कीमोस्टरलेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज टेपा, हेम्पा एंड बाइसल्फैन ईटीसी, मतलब तीन हमने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सो आप इनको याद रखोगे। सो अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स ऑफ द SIRM, मतलब हमें कहीं पे SIRM अगर अप्लाई करना है तो उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने आपको यहाँ इस पेज यानी स्लाइड पे आपको चार्ट दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे भी हैं। सो फर्स्ट इज़ दी ए मेथड इंट्रोड्यूसिंग स्टेरिलिटी विदाउट इंपेयरिंग सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, मतलब उनके सेक्सुअल बिहेवियर को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर उनके सेक्सुअल बिहेवियर को ख़राब करता है तो वो प्रॉपर मेथड ऑफ कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड मास रेयरिंग ऑफ द इंसेक्ट आपको आनी चाहिए, कैसे रेयर करना है तभी तो आप उनको इरिडेशन से स्टेराइल बना पाओगे। थर्ड, इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रेट ऑफ इंक्रीज, कैसे पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है स्पेसिफिक एरिया में या फिर रीजन में, और उनका रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या है। कहने का जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, फीमेल 5 नेक्स्ट फीमेल को जनरेट करती हैं, तो एक जनरेशन में 1 लाख से 5 लाख हो जा रहे थे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फोर्थ, द रिलीज्ड इंसेक्ट मस्ट नॉट कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स। ठीक है, जो आपने लाइफ स्टॉक या फिर ह्यूमन बींग जो आपने स्टेलाइज्ड मेल को जो रिलीज़ किया है वो ऐसा ना हो कि दूसरे क्रॉप को हार्म करने लग जाए, वो खाने लग जाए दूसरे क्रॉप को। ठीक है, सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ गुड इंटरमिंगलिंग ऑफ द रिलीज्ड एंड नेचुरल पॉपुलेशन। ये नहीं कि आपने जो नया स्टेराइल मेल रिलीज़ किया है वो जो फीमेल्स हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं, उनके साथ में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलीजिंग स्टेराइल इंसेक्ट व्हेन दी वाइल्ड पॉपुलेशन इज़ अबंडेंट। ठीक है, और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप स्टेराइल इंसेक्ट को तब रिलीज़ करो जब आपका जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो, अबंडेंट हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो आप ऐसे इस टाइम पर रिलीज़ करो जब अबंडेंट पॉपुलेशन है, तो ऐसे भी उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो जहाँ पे कंपटीशन उनके कंपटीशन मतलब उनका कंपटीशन बढ़ाना हो उस टाइम पे ये मेथड को हम अप्लाई करते हैं। दिस मेथड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट और आइसोलेटेड इंसेक्ट पॉपुलेशन एज इन आयरलैंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़। और लास्ट, देयर शुड बी ए हाई स्टेराइल टू फर्टाइल रेशियो फॉर क्विकर कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही बोला कि SF रेशियो जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए ताकि उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको डाउन किया जा सके। और जो लास्ट टॉपिक है या फिर ड्रॉबैक है इस मेथड का, वो मैंने यहाँ पे दो मेंशन किया है, आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज नॉट इफेक्टिव, पहला क्या है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट विच आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स। ठीक है, मतलब आप इसमें सिंपल सा बात समझो कि ये हर इंसेक्ट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा, स्टरलाइजिंग एंड म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ दी कीमोस्टरलेंट्स एंड ई रेडिएशन कॉजेज प्रॉब्लम इन हायर एनिमल्स एंड मैंस, जिनका कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग और म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है। तो बेसिकली ये दो लिमिटेशंस हैं SIRM टेक्निक का। सो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन आप इस लेक्चर को देखते हो, अगर आपने एंड तक इस लेक्चर को देखा है तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम इस तरीके से भी, ये थोड़ा सा नया मेथड आपको सुनने में लगा होगा, इस तरीके से भी हम इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत जगह पे ये मेथड यूज़ किया भी जाता है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं पर आप कुछ पूछना चाहते हो कि सर आपने ये चीज़ें नहीं बताई हैं, या फिर आपने ये चीज़ें सर आप इसको और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर करने में सहमत हूँ, तो आप मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर सकता हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। और हमारे वीडियोज़ और चैनल अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ भी हमारे चैनल से सीखा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो की PPT चाहिए या फिर PDF चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ साथ आप हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज़ www.goforagriculture.co.in।
साथ साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स, बुक्स हमने एक साथ अवेलेबल कराए हैं, जहाँ पे आपको हमारी वीडियोज़ जो है साथ साथ मिल जाएंगी। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।